बात करूं तो ये 22/11/2021 को हुआ था, कहाँ पे? ION डिजिटल जोन IDN ग्रीन पार्क में, ठीक है ना। इसकी टाइमिंग क्या थी वो भी देख लो, 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य ये वाला पेपर हुआ था। अगर आपको कोई सा भी डाउट आ रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लोग ये नंबर पे अपना डाउट पूछ सकते हैं हमसे, ठीक है ना। 85/73/32 इस पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने आज के क्लास पर। तो अपना यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी कार्य को करने के लिए वाई एक्स वाई की तुलना में 2 गुना और जेड की तुलना में 3 गुना समय लेता है, वे सब एक साथ मिलकर 2 दिनों में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। वाई अकेले इस कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये। और एक बात और कि आपको यदि इस क्लास की PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, क्लियर है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये लोग टाइम किस प्रकार से लेते हैं। एक्स और वाई का जो टाइम आ रहा है क्या, वाई की तुलना में 2 गुना। एक्स जो है, यदि वाई एक टाइम ले रहा है तो एक्स कितना टाइम ले रहा है, एक्स 2 टाइम ले रहा है। और जो एक्स है वो जेड की तुलना में 3 गुना टाइम ले रहा है। अगर एक्स और जेड की बात करें तो यदि जेड एक टाइम ले रहा है तो एक्स कितना ले रहा है समय, 3 समय ले रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब देखो हमें अनुपात तो बराबर करने ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स 2 दिन में कर रहा है, यहाँ एक्स 3 दिन में कर रहा है। जब एक्स एक सेम आदमी है तो अलग अलग दिन में कैसे कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड का अनुपात ले लेंगे। इसको बराबर करने के लिए 3 का गुणा करवा दो, इस पर बराबर करने के लिए 2 का गुणा करवा दो। देखो 3 दूनी 6 यहाँ आ जाएगा, 3 दूनी 6 यहाँ आ जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी, क्लियर है। वाई की बात करें तो 3 का गुणा 1 में होगा तो वाई की वैल्यू 3 आ जाएगी। और मैं जेड की बात करूँ तो जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इस प्रकार से इनकी क्या निकल आएगी, इन लोगों का टाइम निकल आएगा। अब आप लोग चाहो तो यहाँ से क्षमता भी निकाल सकते हो। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने एक साथ मिलकर 2 दिन में अपना काम पूरा किया है। कितने दिन में काम पूरा किया है, 2 दिन में काम पूरा किया है। अगर सबसे पहले ये तो इनका टाइम है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षमता। क्षमता क्या, यहाँ पर क्षमता क्या होगी, क्षमता हो जाएगी सर 1/6 अनुपात 1/3 अनुपात 1/2। अब क्षमता कभी बटे में तो होती नहीं है, तो इसका मतलब क्या करो, इस पर 6 का गुणा कर दो। 6 का गुणा क्यों, इसके LCM से आप लोग गुणा कर दो तो 6 से 6 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1 अनुपात, यहाँ पर 3 दूनी 6 तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 हम रख दें तो कितना आएगा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बोला गया है कि वाई अकेले इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो इन टोटल इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 3, 2, 5, 1, 6 क्षमता हो जाएगी। 2 दिन तक कार्य करते हैं तो टोटल वर्क कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये पूछ रहा है कि वाई अकेले इसे कितने दिन में करेगा, वाई की क्षमता कितनी है, 2 है, 2 से इसको डिवाइड कर दो कितना आएगा, 6 आएगा, मतलब वाई इस काम को 6 दिनों में समाप्त कर लेगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं और अपना क्वेश्चन अगला देखते हैं। हम लोग यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे, इस बार के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से हम लोग नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, पी क्यू का 220% किसका, पी जो है वो क्यू का 220%, तो पी अनुपात क्यू कितना होगा, क्यू का 220 है ना, अगर क्यू 100 है तो पी कितना है, 220। यहाँ पर पूछ रहा है क्यू कॉमा पी प्लस क्यू का कितना परसेंट होगा, तो किसका पूछ रहा है, पी प्लस क्यू का, तो पी प्लस क्यू टोटल कितना हो जाएगा, 220 और 100 कितना हो गया, ये हो गया 320। किसका पूछ रहा है, पी प्लस क्यू का, और यहाँ पर किसका पूछ रहा है, क्यू का पूछ रहा है ना, तो क्यू यहाँ पर कितना है, 100 है। परसेंटेज के लिए आप लोग यहाँ पर क्या लगा लेंगे, 100 लगा लेंगे, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, इसको कट कर लो, 4 8 32 और यहाँ पर आएगा 25, वो हो जाएगा 250 250/8 हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, 8 24 8 91 8 8 19 16 8 25 40, 31.25% अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे यहाँ पर 5 अंकों की उस छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 21 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अगर मैं इसे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, इसका सीधा आप लोग एलसीएम निकाल लेंगे, 18
21 और 24 का अगर एलसीएम से आता है, वैसे आएगा नहीं एलसीएम से, और उसमें आप लोग के का मल्टीप्लाई करवा दो। के एक ऐसी संख्या होगी जो हमें यहाँ पर 5 डिजिट तक की संख्या तक वो ले जाएगी, वो भी सबसे छोटी संख्या तक, ठीक है ना। के का मान अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या है, ये 18 से विभाजित हो रहा है, 21 से विभाजित हो रहा है, 24 से विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखो 18 से विभाज्य है तो ये 2 और 9 से विभाज्य होगा। 9 से विभाज्यता का रूल क्या होता है कि संख्याओं के डिजिट को ऐड कर दो, अगर 0 आ जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाती है, क्लियर है। यहाँ पर हम लोग ऐड करें तो 6 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ पर 8 एक कितना हो गया, 9 हो गया, तो मतलब ये वाला आंसर तो अपना क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये 9 से विभाजित हो जाएगा। इसकी बात करें तो 8 एक 9 6 2 कितना बन रहा है, 8 बन रहा है, तो ये तो 9 से विभाजित होगा नहीं। यहाँ पर 3 एक 4, 4 एक 5, यहाँ पर 6 बन रहा है, तो देखो ये भी 9 से विभाजित नहीं होगा। तो इस वजह से अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 50 किलोग्राम भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक दूसरा व्यक्ति आ जाने पर 8 लोगों का औसत भार 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है औसत भार में, ठीक है ना। तो नए व्यक्ति का भार आपको ज्ञात करना है। देखो 50 किलोग्राम का व्यक्ति गया है, ठीक है, एक व्यक्ति और आ गया, एक दूसरा व्यक्ति क्या किया गया यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, तो 8 लोगों का औसत भार 2.5 किलो बढ़ जाता है। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि कुल कितना वेट बढ़ा है, तो 2.5 × 8 कर दो कितना आएगा, 25 × 8 जो कितना आएगा, 8 × 2 = 16 × 4 = 20 कितना आ जाएगा, 20 किलो बढ़ जाएगा कि नहीं। अरे देखो 50 किलो का व्यक्ति गया है, एक व्यक्ति आया है, तो 20 किलो बढ़ गया, तो उसका वेट कितना रहा होगा, 50 और 20 को ऐड कर दो 70, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो व्यक्ति आया है उसका वेट 70 किलोग्राम है। इसको देखते हैं, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक ट्रेन एक घर को 12 सेकंड में पार कर देती है, ट्रेन की लंबाई क्या होती है, क्या है आपको ये बताना है। देखो जो ट्रेन की लंबाई होगी, ट्रेन अपनी जैसे मान लो ये घर है और ये इतनी लंबी रेलगाड़ी है, अभी अगर इधर की ओर चलेगी तो ये अपनी ही दूरी तो तय करेगी, इसको क्रॉस करना है तो मान लो ये पहले यहाँ है कि ऐसे क्रॉस करेगी तो ये अपनी दूरी पूरी क्रॉस करेगी, ठीक है ना। तो ट्रेन की दूरी कितनी हो जाएगी एल, तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें जो ऑप्शन दे रहे हैं वो सारे मीटर में, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाएंगे तो हम लोग यहाँ पर 5/18 से गुणा कर लेंगे। आगे यहाँ पर है 12 सेकंड की बात कर रहा है, 12 से गुणा कर दो, कट कर लो, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 3 से कट करेंगे यहाँ पर आएगा 15, और 15 × 75 = 150, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। 150 मीटर अपने क्वेश्चन का क्या आएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कि 5 विषयों में अमित के प्राप्तांकों का औसत 72 है। अगर 5 विषयों में औसत 72 है प्राप्तांकों का, तो कुल नंबर कितने आए होंगे, ठीक है, कुल प्राप्तांक कितने होंगे, तो 5 × 72 कितना हो जाएगा, 360। कुल प्राप्तांक कितना रहा होगा, 360। इसने बताया है कि 3 विषयों का प्राप्तांक औसतन 70 है, अगर 3 विषयों का 70 है तो योग कितना होगा, 7 × 21, 7 × 21 मतलब 210। तो पूछ रहे सिर्फ 2 विषयों का प्राप्तांक का औसत कितना है, तो सिंपल 210 इससे माइनस कर दो, यहाँ से आएगा 150। 2 विषयों का पूछ रहा है तो 2 से डिवाइड कर दो, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 75, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला देखें यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पर, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 33 × 1/3% घटा दी जाए, तो इसके आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हो जाएगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। सिंपल सा देखो, यदि मैं इस साइड पर, यदि मैं यहाँ अनुपात का साइन लगा लेता हूँ और इधर मैं पुराना लिखता हूँ और इधर जो हमने बढ़ाया घटाया मैं उसको लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, इधर भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, दोनों का त्रिज्या और ऊंचाई घट बढ़ रहा है, तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है कि पहले हमने 20% बढ़ा दी, अच्छा 20% का मतलब कितना होता है, 20/100, 20 मतलब 1/5, कितना बढ़ाया, 5 से हमने कितना बढ़ा दिया, 1 बढ़ा दिया, मतलब पहले त्रिज्या 5 थी, यहाँ पर पहले त्रिज्या कितनी थी, 5, हमने 5 का स्क्वायर कर दिया, अब हो गई 6, तो मतलब 6 का स्क्वायर कर दो। इसके बाद हमने ऊंचाई को 33 × 1/3% घटा दिया है, अब 33 × 1/3 कितना होता है, ये होता है 1/3, क्योंकि 33 × 99 100 × 3 कितना होता है, 1/3, क्योंकि 100/3 परसेंटेज के लिए 100 करेंगे
सौ से सौ कट जाएगा, कितना आएगा 1/3। अब देखो यहाँ पर घटा दिया गया है, मतलब 3 से 1 घट गया, मतलब पहले ऊंचाई 3 रही होगी, अब कितनी होगी इसकी ऊंचाई 2 होगी, ठीक है ना। अब इसको करो 5 5 25 25, 3 75 अनुपात 66 36, 36 दूनी कितना हो जाएगा 72। तो 75 से कितना कम हो गया सर, 3 कम हो गया, किससे कम हुआ है 75 से। परसेंटेज के लिए यहाँ पर हम लोग कितना कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे सिंपल से। 3 से कट करो तो यहाँ कितना आएगा 25, और 25 से 100 कट करो यहाँ कितना आ गया 4। अब यहाँ पर जो क्या हो रहा है, कमी हो रही है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4% की कमी, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है ना। आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है कि कोई धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए जमा की जाती है, ठीक है। यदि इस पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय होता है तो वह वार्षिक रूप से देय ब्याज की तुलना में 964 रुपये अधिक होता है। कितना 964 रुपये अधिक होता है, हमें वह धनराशि ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, पहले 20% के लिए था, 20% था 2 वर्षों के लिए, 20% 2 वर्षों के लिए था। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद यहाँ पर अर्धवार्षिक रूप से, मतलब अर्धवार्षिक रूप से इस पर ब्याज लगने लगा। तो यदि मैं 2 साल की बात करूँ और अर्धवार्षिक बात करूँ तो ब्याज कितने बार लगेगा, ब्याज लगेगा टोटल 4 बार। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं यहाँ पर वार्षिक 20% की बात करूँ तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 महीने का हो जाएगा 10%, मतलब 10% कितने दिन तक लग रहा है, 4 साल तक, और 20% कितने दिन तक लग रहा है, ये लग रहा है 2 वर्ष तक, ठीक है ना। आपका क्वेश्चन कुछ ये है। यहाँ पर देखो आगे हम लोग क्या करेंगे, पेन चेंज कर दो, देखो यहाँ पर फार्मूला सीधा लगा देंगे। देखो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का 1+R/100, मतलब 100 से कितना बढ़ा है, देखो 20% इस पर ब्याज लग रहा है, मतलब ये हो जाएगा 120। अगर 20% का ब्याज लगाया है 100 पे तो ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 120/100, 120/100 का मतलब कितना होता है 12/10, कितना होता है 12/10। ये कितने साल तक लग रहा है, ये लग रहा है 3 साल तक, तो इसका हम लोग सॉरी 2 साल तक लग रहा है, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और इसके बीच का अंतर निकालना है, माइनस ना समझना अंतर है, ठीक है ना। 10% 4 वर्ष तक, 10% कितना होता है 1/10, 10 में कितना ब्याज मिलेगा 1 का, 10 में कितना ब्याज मिलेगा 1 का ब्याज मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा 11/10 की पावर 4 हो जाएगा। और जो इसका अंतर दे रखा है वो कितना दे रखा है 964 दे रखा है, कितना 964 दे रखा है। अब यहाँ पर मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन यहाँ पर हो जाएगा पी। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपल से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपल आपको सॉल्व कर लेना है, लिखो। इसके बाद देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144/100 करेंगे, देखो 144 हो गया। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 हो जाएगा। अच्छा 11 की पावर 4 कितनी होती है बता सकते हो, चलो मैं बताता हूँ 11 का क्यूब होता है 1331, सिंपल से। मैं जैसे आप लोग 11 का मल्टीप्लाई करवाओगे कितना है, 11 के अंदर में 11, 11 3 33 1 34 की 4, 3 11 3 33 3 36 की 6, असल 3 11 3 14, 146/41 आएगा, कितना आएगा 146/41, यहाँ लिख लेंगे 146/41। यहाँ पर कितना आएगा, 1 के नीचे 4 0, ठीक है, बराबर कितना आएगा 964 आ जाएगा, सिंपल से इतना आ जाएगा। आगे देखो यहाँ पर 2 0 हटाएंगे तो आपका दशमलव कहाँ पे लगेगा, दशमलव यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इसका 4 0 हटाएंगे दशमलव यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिंपल से हम लोग इससे इस वाले भाग से इसको घटा लेंगे, तो यहाँ पर P इंटू कितना आएगा 0.002, कितना आएगा 241 इज इक्वल टू में कितना है, इज इक्वल टू में यहाँ पर दिया है 964, ठीक है ना। अब देखो यदि हम यहाँ से दशमलव हटा लें, या एक चीज़ यहाँ पर देखो 241 से ये 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा पूरी तरीके से। और देखो 4 स्टार्टिंग में कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, इस वजह से अपना ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब ये दशमलव हटेगा, इस साइड पर 4 0 लग जाएंगे, तो अपना क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा 40,000, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम इसको कर लेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ठीक है ना। चलते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, ए बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 5, 6, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि वे साथ काम करें और कार्य के लिए उन्हें 2950 रुपये प्राप्त हो, तो बी को इसमें से कितनी धनराशि मिलेगी। ठीक है ना, तो सिंपल ए बी और सी ये 5 दिन में, ये 6 दिन में, ये 8 दिन में, हमने मान लिया कि टोटल वर्क कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 8×40 दोनों 80, 120 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 6×2 = 12, 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 5×2 = 10, 5×4 = 20, कितना आगे 24। अब जो पैसा होता है वो बढ़ता है आपका, जो पैसा होता है वो बढ़ता है क्षमता के अनुसार, तो क्षमता कितनी आ गई देखो, 5×4 = 9, 2×2 = 4, 1 = 5, क्षमता आ गई 59। 59 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2950। किसका मान पूछ रहा है, बी का मान पूछ रहा है, देखो बी की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता है यहाँ पर 20, इसे कट करो, जो ये कट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 5×5 = 25 होता है और 9×5 कितना होता है, 45 होता है, लगभग ये यहाँ से 5 बार में कट जाएगा, कितना आएगा, 50 आ जाएगा। तुमसे 20 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 50×20 कितना हो जाएगा, 1000 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर आपका बॉड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कई बार कहा है, ठीक है ना, तो बॉड मास रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, चलो देखो यहाँ पर इसकी बात करें, क्या लिखा हुआ है, 3/7 / 3/7 × 3/7। देखो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, कैसे सर, ये 3/7 है, डिवाइड का साइन है 3/7, तो मल्टीप्लाई के साइन में 7/3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई का 3/7 हो जाएगा, बटे की बात करें। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले ऑफ सॉल्व करना होगा, तो 7×49 = 3×9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/7, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 7×49 आपका ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना आएगा, 3×9 आएगा। एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमने ऑफ के लिए जब गुणे का साइन लगाया तो पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक को हमने पलटा है, लेकिन जब हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई देखा था तो यहाँ हम केवल इतने ही भाग को पलट रहे हैं, एक चीज़ का ये ध्यान देना। ठीक है ना, आगे माइनस का कितना है, 9/49, क्लियर है ना सभी को। देखो 3 से 3 कट गया, 7 से 7 कट गया, यहाँ पर 7×49 हो गया। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा 3×9, तो 7 का गुणा इससे हो जाएगा, 3 का गुणा ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9/49 माइनस का 9/49, आंसर कितना आ जाएगा अपना, 0। ठीक है ना, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मिश्रण का है, यहाँ पर एक मिश्रण में एल्कोहल और जल का अनुपात 3:4 है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर एल्कोहल और जल का अनुपात 5:8 हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा आपको ज्ञात करनी है, तो क्या करना है आपको। देखो हमने मान लिया कि इस पे एल्कोहल था 3x, ना मानो 3x, अगर नहीं मान रहे तो मत मानो, ठीक, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मानो इसको x, ठीक है, तो लेकिन मान लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पर एल्कोहल हमने मान लिया 3x और जल मान लिया हमने 4x, इसमें क्या किया हमने 8 लीटर पानी और मिला लिया, तो इसका जो अनुपात हो गया वो कितना हो गया, 5:8, सिंपल से 3/6 करवा देंगे, कितना हो जाएगा, 8×3 = 24x बराबर 5×6 = 20x प्लस 8×5 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 40, 8×5 कितना हो जाएगा, 40। अब देखो 20 इधर आएगा, 24 से 20 घटेगा, कितना आएगा, 4x, 4x की वैल्यू अगर 40 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई या नहीं आ गई, आ गई। क्या पूछ रहा है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी थी, 3:4 के अनुपात में थी, तो 4×3 कितना हो गया, 7, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70, सिंपल से अपना क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, क्लियर है ना, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि ए का 10% बराबर बी है, मतलब ए का 10/100 बराबर बी, ठीक है, पूछ रहा है कि 20% कितना होगा, तो बी का 20% यहाँ पर निकाल लो, तो बी का 20/100 देखो कितना हो जाएगा, बी का 20/100 यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, 1 0 से, अच्छा चाहे तो यहाँ पर, ठीक है लिख लो ऐसे, 0 से यहाँ पर 0 कट जाएगा, क्या करोगे, वैसे ही लिखोगे क्या, एक मिनट आप लोग ऐसे कर लो इसको, सिंपल से ये इतना दिया गया है ना, ये इतना दिया गया, तो भाई ये 0 से 0 कट गया, तो बी का मान कितना आ गया, 1/10 आ गया ना। अब b का 20%, b का मान दिया गया है
इसका 20% कितना होगा, इसका 20% यहाँ कर लो, तो यहाँ से जीरो से जीरो कर जाएगा, कितना आ गया 2% ऑफ ए, मतलब ए का 2% इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक आयरन का क्रय मूल्य 210 रुपये है, इसका वह अधिकतम खुदरा मूल्य तय कीजिए जिस पर 5% की छूट देने पर, 5% की छूट देने पर भी आपको 20% का लाभ प्राप्त हो। हमने मान लिया कि हमने अंकित कर दिया एक्स रुपये, अंकित कर दिया हमने, इसके बाद हमने क्या किया 5% की छूट दे दी, मतलब 95/x में हमने इसको बेच दिया, ठीक है। अब देखो इसका क्रय मूल्य कितना है 210 रुपये, हमें लाभ कितना चाहिए 90%, तो 210 का 90% का लाभ चाहिए, तो मतलब 190/100 होगा या नहीं होगा, हो जाएगा, क्लियर है सभी को। तो 20 100 से 100 कट जाएगा, 95 का 2 गुणा करेंगे 190 होता है, ठीक है ना, और 210 गुणे 2 कितना करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 420 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, जहाँ पर भी डाउट हो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 243 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सुरंग को 42 सेकंड में पार करती है, तो सुरंग की लंबाई याद कीजिए। जैसे मान लो ये एक रेलगाड़ी है, ठीक है, ये क्या है, रेलगाड़ी है। अब ये इस सुरंग में जा रही है, किस सुरंग में, इस सुरंग में, सुरंग के अंदर जाएगी, तो देखो ये सुरंग की दूरी भी पार करेगी, खुद की दूरी भी पार करेगी, तो यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 243 और सुरंग की लंबाई हमने मान लिया L है, ठीक है। अब ये कितना टाइम ले रही है, 42 सेकंड का, यहाँ पर स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर में हमें दूरी ज्ञात करनी है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे हम लोग, 5/18 का गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर कितना कर लेंगे 42 कर लेंगे, क्लियर है ना। अब इसको कट कर लो, यहाँ पर 6 3 18 6 7 42, 3 से इसको कट कर लो, यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर कितना हो गया 7 5 35 2 70, ये हो गया 700, इधर ये प्लस का 243, इधर आएगा माइनस का 243 हो जाएगा, इसको घटा दो तो कितना आएगा 457 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर, क्लियर है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर देखो बॉडमास रूल का फिर अगेन एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है भाई इसको पढ़ लेना कायदे से, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप सॉल्व करना है, ऑप में क्या हो जाएगा, देखो ये लिखा है 2/5, ये 7 2 14, 1 15/2, ठीक है, कितना आ जाएगा 15/2, अगर मैं इधर 15 लिखूँ और बटे में 2 लगा दूँ यही हो जाएगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 5 3 15, इसमें कितना आएगा 3 आ जाएगा, सिंपल से डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, 4 2 8 1 9/4 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल से 4/9, कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4/9, क्लियर है इतना। देखो 7 2 14 1 15 हुआ था 15/2, तो 15/2 को हमने 2 को 2 से काट, मतलब कट कर लिया, 5 से इसको 15 कट कर लिया, तो यहाँ 3 आ गया, फिर 4 2 8 1 9/4 था, हमने यहाँ पर भाग के साइन को घूड़े के साइन में चेंज किया और इस वैल्यू को पलट लिया, ठीक है ना। फिर आगे प्लस का साइन लगा लो, यहाँ पे हमें यहाँ ऑफ सॉल्व करना है ना, तो 3 3 को 9 9 2 11, 3 3 को 9 9 2 11, 11/3, इधर कितना है 6, यहाँ पर देखो आया है 11/3, ऑफ का मतलब घूड़ा, इसको कट करेंगे तो 3 2 कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया देखो 11 2 22, 22 आया है ना, और यहाँ पर कितना है 5 2 10 1 11/2, तो 11/2 यहाँ भाग के साइन को हम लोग गुणा के साइन में चेंज करेंगे और ये हो जाएगा 1/22, माइनस का साइन हम लोग लगा लेंगे सिंपल से, ये हो जाएगा 3 1 9 3 1 4/3 गुणे 5/8, यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा 5/8, यहाँ पर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब इसको कट करते हैं, 3 3 को 9 हो जाएगा, यहाँ पर 11 2 22 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, बचे कितना 4/3 प्लस यहाँ पर 1/22 था ना, चलो यहाँ हो जाएगा 1/4 माइनस 5/6, एलसीएम ले लेंगे 12 आ जाएगा, 3 4 12 4 4 16 प्लस 4 3 12, यहाँ पर 3 आएगा और माइनस का 6 2 12, 5 2 कितना हो गया 10 हो गया, क्लियर है ना इतना। अब देखो 16 3 19, 19 में 10 हटाएंगे कितना बचेगा 9, 9/12 आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3/4 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर तो दिया गया है
एक वृत्ताकार बगीचे की परिधि 504 है, मान लिया ठीक है 504 है, यहाँ पर 14 मीटर स्क्वायर की दर से इसे समतल करने की लागत कितनी होगी। ठीक है, यहाँ पर वृत्त की परिधि कितनी है 2πr बराबर कितना दिया है 506। तो हमें क्या सबसे पहले एरिया निकाल लें, क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो आ जाएगी 506 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आ जाएगा 2π। सिंपल से हम लोग यहाँ रख देंगे पाई का मान, पाई रख दो ऐसे ही, r का मान कितना है, r का मान है 506 गुणे 506 बटे यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, पाई स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पाई स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर से एक पाई तो इधर निकाल लेते हैं, दूसरे पाई का मान रख देते हैं 22/7। हमें खर्च भी निकालना है 14 रुपए के हिसाब से, यहाँ पर 14 का गुणा भी कर दो, क्या 14 का यहाँ पर गुणा भी कर दो। अब देखो आप लोग देखो यहाँ से पाई आपका कट जाएगा, कितना पाई से पाई यहाँ पर आपका कट जाएगा, और इसको देखो 11 दूनी 22, चाहे तो 22 दूनी 44, हाँ 22 से सीधा काट दो, 22 दूनी 44, 22 तीन 66 कितना आ गया 30 आ गया ना, चलो 4 से इसको काट लो कट जाएगा, 2 से काट लो, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 2 से, 2 से कट करोगे 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 तीन 6 कितना हो जाएगा, क्लियर है ना। अब बस इसका सिंपल से यदि आप गुणा करवा लेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28, 51, 31, डिजिटल सम लगा लेना उससे भी आ जाएगा, ठीक है ना, डिजिटल सम लगा लेना उससे भी आ जाएगा, वैसे आप गुणा कर लो, गुणा कर सकते हो, ठीक है, गुणा क्या कर सकते हो, गुणा इस पे कर सकते हो, हाँ कर लेना गुणा, ठीक है आगे चलते हैं, गुणा करना है कर लेना, इतना छोटा काम तो कर ही सकते हो ना। चलो इसमें किसी लेन देन में क्या हो गया, हाँ किसी लेन देन में लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य का 48% है, ठीक है, बाद में यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है लेकिन विक्रय मूल्य पूर्ववत रहता है तो प्रतिशत लाभ में कितनी कमी हो जाएगी। देखो पहले हमने मान लिया कि जो हमारा कास्ट प्राइस था वो था 100 रुपये, और जो लाभ हो रहा है वो कितना हो रहा है 48 रुपये, मतलब सामान बेची जा रही होगी 148 में। अब क्या कहा है कि इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, क्या 20% की वृद्धि हो गई किसमें, क्रय मूल्य में, तो ये हो गया 120। अभी भी वस्तु कितने में बेची जा रही है, अभी भी 148 में बेची जा रही है, पहले 48% का फायदा हो रहा था, पहले 48% का फायदा हो रहा था, अब देखो कितने परसेंट का फायदा हो रहा है, तो ये कितना स्टम्प बिक रही है, ये बिक रही है 28 रुपये स्टम्प है, 28 स्टम्प, मतलब इस पर लाभ कितना हो रहा है 28 रुपये का हमने मान लिया लाभ हो रहा है, 8 यहाँ पर आएगा 2, कितने में से हो रहा है 120 में से, परसेंटेज के लिए यहाँ पर क्या लगेगा 100 लग जाएगा, तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर 4 3 12, 4 7 28 कितना आ गया 70/3, इसको हम लोग जैसे ही कट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 2 6 10 हो गया, 3 3 9 एक बचेगा, 3 3 9 3 3 9 23.33। तो लाभ में सॉरी तो लाभ प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, पहले लाभ हो रहा था 48, अब होने लगा 23.33, तो कितने की कमी हो गई, यहाँ पर आएगा 6.6, यहाँ पर आएगा 7 से 3 जाएगा 4, यहाँ पर 2, 24.66, मतलब 24.67 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5000 की धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से होने वाला चक्रवृद्धि होने क्या लिखा है इसमें, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है ना, तो अंतर जब भी कभी पूछे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में कितना दे रखा है 8%, 8% का डायरेक्ट स्क्वायर कर दो कितना होता है 64, और बटे में कितना कर दो 100, तो जैसे ही करोगे कितना आएगा 0.64%, कितना 0.64%, और इसका निकाल लो 5000 में कितना होगा 5000, और उसके लिए क्या कितना होगा परसेंटेज के लिए यहाँ पर 100 लगा दो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा गुणा कर लो 5 4 20 की 0 हासिल 2, 5 6 30 और 2 32 कितना आ गया 32 रुपये अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी कभी अंतर की बात करें तो सीधा स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि 4 संख्याएं हैं 2:3:5:7 के अनुपात में है और उनका HCF 6 दे रखा है,
तो सबसे बड़ी संख्या क्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? चलो यहाँ पर अगर आपको संख्या निकालनी हो और अनुपात में दिया है 2:3:5:7। सबसे बड़ी और छोटी की बात कर रहे हैं, एचसीएफ कितना है 6। संख्या की बात करें सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 6×2=12, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 6×7=42। अब इसका स्क्वायर का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, तो 12 का स्क्वायर होता है देखो 144, 42 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4×8×16, ये कितना आएगा 4×6=1764, इसमें ऐड कर दो 1764 कितना हो गया 4×4=8, 6×4=10, 7×1=8, 1=9, ये हो जाएगा 1908 अपने क्वेश्चन का और राइट आंसर, ठीक है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। यहाँ पर है x अनुपात 2y=4:9, तो 2:x=3:4 दिया, तो y का आपसे मान सिंपल सा पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2/x=3/4 हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4×2=8, ये इधर आएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8/3, इस पे रख दो, ये हो जाएगा x/2y, तो मतलब 8/3×2y=4/9, ये हो जाएगा ना, तो 3 × 3 कितना हो गया 9 हो गया, 4×2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 × 2 कट गया, तो यहाँ पर y की वैल्यू देखो कितनी आ रही, 3 आ रही है ना, तो ये अपना 3 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, चाहे त्रिज्या गुणा करा लो तो भी वही आएगा। चलो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है कि a+b-c, b+c-a, a+c-b=4:5:9, यदि मैं इन सभी को जोड़ लूँ, क्या यदि मैं इन सभी के बीच में प्लस का साइन लगा लूँ, तो देखो एक a से ये a कट जाएगा, ये b से ये b कट जाएगा, ये c से ये c कट जाएगा, आएगा क्या a+b+c=, कितना हो जाएगा देखो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5×4=9, 9×9 कितना हो गया, यहाँ से आएगा आपका 18, कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा 18, आगे देखो यहाँ से 18 आ गया। अब हमें a-b चाहिए, क्या चाहिए a-b चाहिए, तो एक बार क्या करो इसको घटा दो, a+b-c को आप घटा दो, तो यहाँ पर कितना आएगा a+b+c, जैसे हम लोग घटा दें -a-b-c, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा --10, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर 2c की वैल्यू कितनी आएगी, 2c की वैल्यू आएगी यहाँ पर 18। हम लोग c की वैल्यू नहीं निकालते, क्यों, क्योंकि हमें अनुपात में पूछा गया है, बाद में हम लोग 2 कॉमन करके 2 सबसे काट देंगे, ठीक है, तो 2c की वैल्यू कितनी आ गई 18, और माइनस का कितना हो जाएगा 4, हमने इसको घटाया ना, तो 18-4 कितना आ गया यहाँ से आ जाएगा 14, कितना आएगा यहाँ से आ जाएगा 14। आगे देखो यहाँ पर c घटाया था, इसको घटाया था, माइनस में सी था, सी की वैल्यू आई, यहाँ पर क्या घटाएंगे ए घटाएंगे, तो यहाँ पर 2a निकल के आएगा, तो 18-5 कितना आएगा 13, इधर कितना है बी है, तो यहाँ पर 2b की देखो वैल्यू आएगी, कितनी आ जाएगी देखो 18 से 9 घटाओ कितनी आएगी 9 आएगी। अब देखो निकालना क्या है a-b, ये a है ये b है, घटाओगे 13 से 9, यहाँ आएगा 4, अनुपात का साइन लगा लेंगे। फिर निकालना है c-b, सी यहाँ पर 14 है, बी यहाँ पर कितना है 9 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे सी माइनस है, सी 14 है, ए 13 है, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। किसी को लगता है कि नहीं सर बटे में भी लगा दो, लगा दो बटे 2/2, 2/2, फिर बाद में ऐसे काट भी लेना, ठीक है ना, 4:5:1 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। यहाँ पर कहा गया है कि अ रिटेलर गेंस 18% आफ्टर अलाउइंग 12% डिस्काउंट ऑन द कॉस्ट प्राइस, मतलब एक जो व्यक्ति है वो 18% का लाभ कमाता है 12% का डिस्काउंट देके, वो भी डिस्काउंट दे रहा है इसने कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, तो 16,500 की राशि कितने रुपए में बिकेगी, तो सिंपल से आप लोग कर लेंगे 16,500 की राशि, पहले उसने 18% का लाभ कमाया है और 12% का डिस्काउंट भी दिया किस पे कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है ना, तो कास्ट प्राइस पर 12% का डिस्काउंट दोगे तो वो बिकेगी 88% पे, तो इसका 88/100 हो जाएगा, फिर 18% का लाभ भी कमा रहा है तो ये 118/ कितना हो जाएगा यहाँ 100 हो जाएगा। अब सिंपल 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा देखो 25 से, ठीक है 4 से काट लो तो ये 25 आएगा, 4 से काटोगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, इसको और 5 से काट लो, 5×5=25, 5×3=15, 5×3=15 कितना आ गया 33 आ गया ना। अब देखो 33 का गुणा करवा लो इस पर कितना आएगा 11×3=33, 33 × 34=35, 36, 363 × 118,
बटे 5 करोगे, जैसे आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, इतना काम आप लोग करना, कोई कठिन नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक तरीका और है, एक तरीका और है करने का, उससे भी कर सकते हो। क्या करो, ये रिटेलर गेंस 18% अलाउिंग 12% छूट, इसमें 12% की छूट निकाल लो, सिंपल मल्टीप्लाई 12%, जितना है उस पर 18% का लाभ निकाल लेना। ठीक है, ऐसे भी कर लो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। इसमें है कि एक व्यापारी 600 रुपये में दो वस्तुएं खरीदता है, ए और बी। वह ए को 20% के लाभ और बी को 10% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 8% का लाभ प्राप्त होता है तो ए का क्रय मूल्य कितना होगा। देखो, अगर आप लोग इसको एलिगेशन से सॉल्व कर लो तो एकदम आसान है, मतलब पृथक्कीकरण लगा दो। कैसे, ए और बी है, ए को देखो 20% का लाभ हो रहा है, हमने 20% का प्रॉफिट कर लिया, प्लस लगा लिया। फिर बी को 10% की हानि हो रही है, 10 लिख के माइनस लगा दिया। पूरे लेन देन में उसे 8% का लाभ होता है तो 8 यहाँ प्लस लगा लिया। अब देखो, जो आपका कास्ट प्राइस निकल के आएगा वो अनुपात में निकल के आएगा ए और बी का, इसके बीच का अंतर कितना है, 8% लाभ और 10% की हानि पर। सर यहाँ पर जो अंतर आएगा वो आएगा 18 का, 18 आ गया, अनुपात का साइन लगा लेंगे यहाँ पर। यहाँ पर 20 और 8 के बीच का अनुपात यहाँ पर आएगा 12 का, ठीक है ना। कितने का आएगा, 12 का, कट कर लो। 6 3 18 और 6 2 12, तो 3 और 2 5 की वैल्यू उसने कितना दिया है, कास्ट प्राइस 600। क्या पूछ रहा है, ए का क्रय मूल्य कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, 5 से कट करेंगे, 12 आएगा 120, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 360, अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इस पे है कि 7500 की धनराशि पर 24% वार्षिक ब्याज की दर से 3 महीने में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज रुपए में निकटतम तक ज्ञात करना है, कितना होगा यदि ब्याज मासिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो देखो, 24% वार्षिक है, मतलब 12 माह में 24%, ठीक है ना, 12 माह में 24%। और इसे क्या करना है, प्रति माह काउंट करना है, तो एक माह में आएगा कि नहीं 2% आ जाएगा। इस पे लगाना है 3 टाइम्स ब्याज, कितना, 3 टाइम्स ब्याज, मतलब 3 बार ब्याज लगाना है, एक मतलब 2-2% का 3 बार आपको ब्याज लगाना है। चलो मैं आपको थोड़ा से बता दे रहा हूँ, वैसे आपको ही इस क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है ना। 7500 पर 3% का हर बार लगाना। अच्छा देखो, सिंपल सा, 75 का 3% कितना होता है, इसके लिए इतने बात बता दूँ। 75 का 2% कितना होता है, सिंपल से, 75 का 2% होता है 75 × 150, 7500 का 2% कितना हो जाएगा, 150। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट ही लगा दूँ, बाई चांस सिंपल इंटरेस्ट ही लगा दूँ, तो 3 बार का 450 होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो 3 बार का जो ब्याज होगा वो 450 होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा सर। तो मतलब 450 फिर जो थोड़ी से बड़ी वैल्यू होगी वही अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वजह से 459 अपने क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो सेकंड तरीका क्या है कि 2% पहले निकालो जितना है, फिर 2% निकालो जितना है, फिर 2% निकालो, ये दूसरा तरीका हो जाएगा। तीसरा तरीका क्या हो जाएगा, 7500 का 102/100, 3 बार लगना है तो इसका क्यूब कर लेना, ठीक है। तीसरा तरीका ये हो जाएगा, 3 तरीके बता दिए हमने, ठीक है। तो अपने जो रीजनिंग की देखो क्लास है वो मैं अब सुबह रखता हूँ कंटिन्यू, ठीक है। 9 बजे पर आपकी रीजनिंग की सुबह क्लास होगी। अगर आप लोग टाइम कुछ इधर उधर करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर देना, नहीं तो फिर मैं 9 बजे से ही क्लास को रखता हूँ, क्लियर ना। तो आज के लिए भी इतना ही, आपको इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।